हेलो स्टूडेंट, तो देखिए आप लोग को आज हम बताएंगे मैथमेटिक्स एंड साइंस क्लास 10 का डिलेटेड सिलेबस के बारे में, जो 2020 से 2021 में जो आपका डिलेटेड सिलेबस का है उसको हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए पहला हम मैथमेटिक्स का बता रहे हैं। मैथ्स में जो पहला चैप्टर 1 है देखिए वो है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में आप देखिए यहाँ पर टॉपिक्स डिलेटेड है, यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा इसको हटा दिया गया है। देखिए आप लिखा गया ना क्लास 10 मैथमेटिक्स डिलेटेड पोर्शन, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा को हटा दिया गया। अब देखिए इसको एनसीईआरटी बुक हम लिए हैं अपने पास, अब इसमें से आपको अच्छे से समझा देते हैं क्या पढ़ना है। बोले तो यूक्लिड डिवीजन लेमा को यहाँ से हटा दीजिए, तो ये पूरा आपका जो एक्सरसाइज 1.1 है ये पूरा एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है, यूक्लिड डिवीजन लेमा पर। इसको आप पूरा हटा दीजिए और इसके बाद आपको एक्सरसाइज 1.2 से ये पूरा कंप्लीट पढ़ना है। तो 1.2 से पूरा पढ़ना है आपका पहला चैप्टर रियल नंबर को। अब आज सेकेंड चैप्टर पर, सेकेंड चैप्टर का नाम है पॉलीनोमियल्स। अब देखिए इसमें पॉलीनोमियल्स में क्या क्या है लिखा गया ना यहाँ पर, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलीनोमियल्स विथ रियल कोफिशिएंट्स। इसका मतलब क्या है कि आपको वो पोर्शन को डिलीट किया गया जिसमें सिंपल प्रॉब्लम डिवीजन एल्गोरिदम पर। अब देखिए यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको क्या इसमें डिलीट किया गया है। तो ये आपका पॉलीनोमियल्स है, तो यहाँ से आप सीधे पढ़ेंगे 2.1 भी पढ़ना पड़ेगा, 2.2 यहाँ पर देखिए डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलीनोमियल्स यहाँ पर दिया गया ना ये, तो इसको आपको यहाँ से जो एक्सरसाइज है 2.3 ये सब आपको नहीं पढ़ना है, कम्प्लीटली डिलीटेड सिलेबस है। तो ये आपको नहीं पढ़ना है 2.3 और जो भी 2.4 कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। 2.4 में ऑप्शनल है, इसमें जैसे कुछ चीज़ें हैं जो आप पढ़ सकते हो, जैसे देखिए क्योंकि ये डिवीजन ये 2.3 तो पूरी तरह से मत पढ़ना, ये पढ़ना नहीं है। और 2.4 में आप देख सकते हो कि ये ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल को भी लोग पढ़ाते नहीं है, लेकिन अच्छे बच्चे चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। तो इसमें आपका डिवीजन वाले में बस पांचवा क्वेश्चन है जिसको कि आपको नहीं पढ़ना है, और सब आप चाहो तो पढ़ सकते हो। पांचवा भी है इसमें आप देखेंगे तो 4 भी है, 4 और 5 दोनों आपको नहीं करना है, लेकिन और सब जो है इसमें क्वेश्चन डिवीजन एल्गोरिदम पर नहीं है तो वो आप कर सकते हो, क्योंकि बस इसमें कौन डिलीट किया गया है डिवीजन एल्गोरिदम को। तो आप देख सकते हैं कि 2.3 पूरी तरह से नहीं पढ़ना है और ऑप्शनल में 4 और 5 नहीं करना है, और सब क्वेश्चन जो ऑप्शनल में है वो भी आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर कर रहा है, तो 2.3 मत करना। अब देखिए सीधे आते हैं चैप्टर 3 पर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इसमें देखिए आपको क्या डिलीट किया गया है, इसमें देखिए दिया गया ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हटा दिया गया है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखिए 3.1 पूरा पढ़ना है आपको, 3.2 भी पढ़ना है, 3.3 में कौन सा मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड ये भी पढ़ना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जहाँ से आएगा देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, तो कहने का मतलब कि इसके बाद सब जो है वो डिलीट नहीं हुआ है, इसमें डिलीट क्या हुआ बस हम आपको बता रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से जहाँ पर क्वेश्चन बोलेगा बस उसको डिलीट करना है, यानी कि सारा कर दोगे। जैसे देखिए इसमें क्वेश्चन में बोला गया है 3.5 में, तो इसमें कहीं बोला गया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाय यूजिंग अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो इसको आपको करना ही नहीं है। लेकिन हाँ आप फर्स्ट को करना ही नहीं आपको, क्योंकि बोला गया ना कि इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है, तो मत करना, इसको छोड़ देना, नहीं करना है। सेकेंड आपको करना होगा क्योंकि इसमें कहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं बोला है। थर्ड भी देखिए तो थर्ड में सब्स्टिट्यूशन से करना, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से मत करना इस क्वेश्चन को। और देखिए एलजेब्रिक मेथड से, अब ये जो वर्ड प्रॉब्लम है, अब वर्ड प्रॉब्लम तो आपको सारा ही करना पड़ेगा 3.5 का, क्योंकि इसमें कहीं भी नहीं बोला गया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है तो ये एलिमिनेशन से सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो। तो अगर क्वेश्चन में दे दे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो वो तो करना ही नहीं, वो देगा ही नहीं, लेकिन पूरा वर्ड प्रॉब्लम आप करोगे तो 3.5 में क्या छोड़ना है आपको बताइए। फर्स्ट का आप पूरा छोड़ दो, ये आपको नहीं करना है, और जो सेकंड है थर्ड है थर्ड भी आपको नहीं करना है, थर्ड में सब्स्टिट्यूशन से कर देना, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप नहीं करोगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हम बता रहे हैं तो ध्यान से इसको देखना, वही जो बताएंगे वही सत्य है, उसी को आप फॉलो करोगे। अब देखिए अब आते हम लोग सीधे 3.6 है, तो 3.6 में भी आप सारा ही क्वेश्चन करोगे, क्योंकि इसमें कहीं कुछ बोला नहीं गया है, तो 3.6 में जितने भी क्वेश्चन है आपको पूरा कंप्लीट करना है, क्योंकि इसमें कहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं बोला गया है। तो स्टूडेंट आप इसको अच्छे से एकदम करिएगा, 3.6 को पूरा एकदम करोगे आप। 3.7 तो ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल तो कोई करता भी नहीं है, तो आप आ जाओ अगले एक्सरसाइज चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें क्या करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप देखेंगे, ध्यान से देखिए, तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिए क्या है, सिचुएशन प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिचुएशन प्रॉब्लम्स ये देखिए ये है। इसका मतलब क्या है देखिए हम बता रहे हैं सीधे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको सब पढ़ना है केवल यहाँ पर आज ये सबसे लास्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 4.4 जो है, देखिए सिचुएशन प्रॉब्लम वहीं पर आपका दिया गया है। ये एक्सरसाइज 4.4 में आपको थर्ड 4 और 5 यही नहीं करना है, इसका मतलब यही है, क्योंकि जब ना सिचुएशन प्रॉब्लम, ये सिचुएशन प्रॉब्लम है कि क्या ये पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, सिचुएशन दिया गया है, तो इसको आपको नहीं करना, और सब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है।
पूरा एकदम ए टू जेड हम बता रहे हैं तो अच्छे समझिएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाइए। एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम टू एंड टर्म्स, ये आपको डिलीट किया गया। अब इसका मतलब क्या है तो देखिए बता रहे हैं, इसमें कौन नहीं पढ़ना है आपको, ध्यान से देखिएगा। सम टू एंड टर्म्स ऑफ एन एपी तो ये पढ़ना ही है, यहाँ पर सीधे आते हैं सम, जहाँ पर दिया गया देखिए सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, तो ये नहीं कि इसके बाद पूरा डिलीट हो गया, इसमें बता रहे हैं कौन कौन नहीं पढ़ना है आपको। बोला गया ना कि यहाँ पर एप्लीकेशन इन डेली सॉल्विंग डेली लाइफ जो वर्ड प्रॉब्लम आएगा जो एप्लीकेशन है बस वो नहीं पढ़ना है, तो सम का तो फार्मूला पढ़ना ही आपको, ये नहीं बोला गया कि आपको सम का फार्मूला नहीं पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर बोला गया ना कि एप्लीकेशन इसका नहीं पढ़ना है सम का जो डेली लाइफ में हो रहा है, तो कौन कौन एप्लीकेशन देखिए यहाँ से, तो क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 ये सब नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि ये सब क्या है सम है इसके एप्लीकेशन से डेली लाइफ में। 19 भी नहीं आपको पढ़ना है, 20 भी नहीं पढ़ना है, ये सब नहीं पढ़ना है आपको। तो ये सब हो गया। एक्सरसाइज 5.4 ऑप्शनल है, ये तो वैसे बच्चे इसको छोड़ ही देते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो इसमें भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। वैसे हम जब पढ़ाएंगे तो वैसे हम डिटेल में पूरा ही पढ़ाएंगे। हाँ, जो बच्चा अच्छा है वो पढ़ सकता है। वैसे मैं यही कहूँगा कि सारे लोग जो अच्छे बच्चे हैं वो सब पढ़ें, क्योंकि देखिए 30% रिलेटेड सिलेबस होने का मतलब क्या है कि वो 30% आपका नॉलेज कम हो गया। तो अच्छे बच्चे अगर टाइम है तो पूरा ही पढ़ लें, लेकिन हाँ जो हम बता रहे हैं बस वही आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा, क्योंकि रिलेटेड सिलेबस को हम बता रहे हैं अच्छे से, आप देखिएगा ध्यान से। तो आप समझ गए कि इसमें क्या नहीं पढ़ना था, देखिए यही बस नहीं करना है इसमें, जो हम यहाँ से कराएं क्रास और सब इसमें पढ़ना है, ये सब छोड़ दीजिएगा और सब पढ़ लीजिएगा। तो देखिए अगला आपका चैप्टर कौन सा है मैथमेटिक्स में, अगला चैप्टर इसमें यहाँ पर दिया है ट्रायंगल्स पर पढ़ जाइए। ट्रायंगल्स में क्या है देखिए यहाँ पर, ये ट्रायंगल्स है, इसमें दो थ्योरम को आपको हटा दिया गया है। देखिए यहाँ पर बोला गया ना प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम आर रिलेटेड, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, तो ये थ्योरम को देखते हैं कहाँ पर है, इस थ्योरम को नहीं पढ़ना है। ये द रेशियो ऑफ द, तो इसमें इस थ्योरम को नहीं पढ़ना है, ये थ्योरम आपका आएगा भी नहीं बोर्ड एग्जाम में। द रेशियो ऑफ द, देखिए यहाँ पर दिया गया ये थ्योरम यही है ना, पढ़िए यहाँ पर द रेशियो, यहाँ पर है ना द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू, तो देखिए हमारा थ्योरम है, तो इस थ्योरम को आप नहीं पढ़ेंगे, इसका प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम, इसका प्रूफ डिलीट किया गया है। हाँ क्वेश्चन बन सकते हैं ध्यान दीजिएगा, लेकिन इसका जो प्रूफ है वो नहीं पढ़ना है हमें, प्रूफ इसका डिलीट कर दिया गया है, तो इसका प्रूफ मत पढ़िएगा। और इस थ्योरम पर यह भी बात है कि इस पर क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे, जब इसका प्रूफ ही नहीं पढ़ना तो इस पर क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे। और एक ये भी थ्योरम है, तो कहने का मीनिंग क्या है स्टूडेंट कि आप इसमें अब जब ये थ्योरम को डिलीट ही कर दिया गया है, तो कहने का मतलब ये है कि इस पर जो एक्सरसाइज 6.4 है, तो 6.4 हम यही आपको सजेस्ट करेंगे कि 6.4 को आप पढ़ लीजिएगा पूरा एकदम। देखिए क्वेश्चन तो ठीक है इस थ्योरम पर है, इस थ्योरम को बस नहीं पढ़ना है। अब ऐसा नहीं कि इस पर बेस्ट क्वेश्चन को नहीं पढ़ना, क्वेश्चन आप कर सकते हो, तो थ्योरम का स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसको प्रूफ मत कीजिएगा, इसका प्रूफ नहीं पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन इसका एप्लीकेशन पूछ सकता है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि पूरा एक्सरसाइज पढ़ लेना। हाँ थ्योरम को प्रूफ करना नहीं है, थ्योरम को बस आपके टीचर जो समझा देंगे बस उसका यूज करना, क्योंकि इसका एप्लीकेशन पूछ सकता है, ये तो बोला नहीं गया कि इसका एप्लीकेशन भी नहीं पूछा है, तो पूछ सकता है। तो आप क्या करेंगे, बस थ्योरम को मत प्रूफ करना और सब इस पर क्वेश्चन करना। अब ट्रायंगल में देखिए ये भी है, इन ए ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑन वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द, ये देखिए ये भी एक थ्योरम आपके एनसीईआरटी में दिया होगा, वो भी हम दिखा, देखिए यही है थ्योरम, इन अ ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ वन साइड, एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये थ्योरम आपका है, ये किस पेज पर है, 146 पेज पर है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये भी थ्योरम को आपको नहीं प्रूफ करना है। तो इस पर क्वेश्चन जो है देखिए इस एक्सरसाइज में बनेंगे, तो क्वेश्चन आप कीजिएगा, एप्लीकेशन इसका पूछ सकता है, तो ये मत करना कि 6.5 को आप छोड़ देना, इसको करना, एक्सरसाइज 6.5 को आप करना होगा। थ्योरम देखिए इसमें आपको प्रूफ नहीं करना, लेकिन इसका एप्लीकेशन पूछ सकता है, तो हम सजेस्ट यही करेंगे कि आप कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए बहुत लोग, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्लियर नहीं हो पा रहा है ना कि यहाँ पर क्या दिया है एप्लीकेशन, तो अगर मान लीजिए छोड़ कर जाते क्वेश्चन आ गया तो आप उसके खुद जिम्मेदार होंगे, इसलिए हम बोल रहे हैं कि इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसका एप्लीकेशन पूछा जा सकता है। तो अब देखिए अगला था चैप्टर और ट्रायंगल्स के बाद एनसीईआरटी में देखिए क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को देख लेते हैं। इसमें देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल को डिलीट किया गया है, तो हम बता देते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या आपको नहीं पढ़ना है। तो आप एक काम कीजिए, 7.2 पूरा पढ़ना है, 7.3 आपको कम्प्लीटली डिलीट कर देना है, 7.3 को कम्प्लीटली डिलीट कर देना है, इसमें कुछ नहीं पढ़ना है आपको। और ये ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल में डिपेंड करेगा कि जहाँ जहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो भी क्वेश्चन होगा उसको डिलीट कर देना, और जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन नहीं होगा वो इसमें आप कर सकते हो। तो ऑप्शनल तो बच्चों के ऊपर डिपेंड होता है कि करते हैं कि नहीं, लेकिन हम बता दिए एक्सरसाइज में ये आपको नहीं करना है 7.3, क्योंकि पूरा कंप्लीटली क्वेश्चन आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल पर ही है। अगला देखिए आ गया इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन देखिए क्या है, अब इसको देख लेते हैं। ये ट्रायंगल्स हो गया आपका, सर्कल्स,
अभी सर्कल देखिए बाद में आएगा, ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं सीधे। देखिए मैं क्या है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्या इसमें दिया गया, पढ़िए, मोटिवेट द रेशियो विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी देखिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आप लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कहने का मतलब यह है कि आपको स्टूडेंट इसमें 0 एंड 90 डिग्री ट्रिग्नोमेट्री में देखिए आपको सब पढ़ना है, बस इसमें बता देते हैं आपको क्या नहीं पढ़ना है। ये 0 एंड 90 डिग्री, 0 और 90 डिग्री के बीच में ये जितने भी एंगल्स हैं आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो हम इसमें बता रहे हैं कि क्या इसमें नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 8.3 जो है ये पूरा जो क्वेश्चन है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर, तो ये आपको कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया, नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर ध्यान से देखिए तो ये जो एक्सरसाइज है हायर क्लासेस में बहुत ही इसका रोल है, तो ये ज़्यादा टफ भी नहीं है। अगर मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग पढ़ लीजिएगा, बेटर रहेगा। वैसे ये नहीं आएगा, ये हम बता दिया आपको, क्योंकि बोला गया ना कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट, ये जितने क्वेश्चन सब कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के हैं, इसलिए ये आएगा ही नहीं। तो एक्सरसाइज 8.3 पूरा ही कम्प्लीट हो गया है, इस बात को लेकर चलिए। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज 8.4 में देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है आपका इस पर है, तो इसको भी आपको नहीं करना होगा। फिर ये भी सेकंड भी आपको नहीं करना है इसमें, और हम बता देते हैं क्या क्या, हाँ ये सब करना है, और पीछे का ये जितना प्रूफ है ये सब करना है, इसको नहीं छोड़ना है, ये सब प्रूफ आपको करना होगा। तो यही है इसमें, आप ये क्वेश्चन को थर्ड का इसमें का ये फर्स्ट और सेकेंड दोनों डिलीट कर दिया गया है, और सारे क्वेश्चन करने स्टूडेंट, तो आप कर लीजिएगा, सो छोड़िएगा मत। तो वो हम बता दे रहे हैं ये पूरा प्रूफ आपको करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस इसको बोलते हैं। तो ये इसमें तनिक भी नो डिलेशन, इसमें डिलेशन किया ही नहीं गया है, यहाँ पर कुछ भी नहीं, हाइट एंड डिस्टेंस इसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को, तो इसमें नो डिलेशन, इसमें सारा पढ़ना है आपको। तो कहने का मतलब कि इसमें जब सब कुछ पढ़ना ही है तो इसको पढ़ने के लिए ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आना ही चाहिए, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री को सही से पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसमें तनिक भी डिलेशन नहीं किया गया है। अब सर्कल में आ जाइए, तो सर्कल में देखेंगे तो सर्कल कहाँ पर है, सर्कल्स में भी नो डिलेशन, देखिए सर्कल में कोई डिलेट नहीं किया गया, तो इसको भी पूरा पढ़ना है कम्प्लीट एकदम। तो अब अगला चैप्टर पे आ जाइए, कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन आप ट्रेंगल सिमिलर टू गिवन ट्रेंगल, हम बता देते हैं इसमें आपको क्या नहीं पढ़ना है। इसमें पहला एक्सरसाइज कम्प्लीटली डिलीटेड है, पहला एक्सरसाइज आपको पढ़ना ही नहीं 11.1, और सारा एक्सरसाइज इसमें जो बच गया बचा क्या, केवल एक एक्सरसाइज बचा 11.2 बचेगा, और क्या इसको कर लेना बस। अब आइए एरिया रिलेटेड टू सर्कल पर, तो देखिए वो हम लोग समझ लेते हैं कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल में प्रॉब्लम आर्म सेंटर एंगल ऑफ 120 डिग्री, करने का मतलब कि इसमें वही क्वेश्चन को डिलीट किया जाएगा जिसका सेंटर एंगल 120 बनेगा। अब एनसीईआरटी में ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसका सेंटर एंगल 120 है, हमको तो पता है क्योंकि हम पढ़ाए हैं। देखिए ये एग्जांपल भी दिया है, तो ये एग्जांपल भी नहीं आएगा क्योंकि सेंटर एंगल 120 डिग्री है। पहले तो ये एग्जांपल भी दे दिया था, एक क्वेश्चन भी इसमें आपको दिया गया है, ये वाला क्वेश्चन। इसमें जब क्वेश्चन करोगे ना तो इसमें सेंटर एंगल 120 आता है, क्योंकि हम लोग करवाए हैं तो जानते हैं, तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि वहीं हाँ सेंटर एंगल 60 डिग्री रहे 50 सब आ सकता है, लेकिन 120 इसमें आता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन नहीं आएगा। और सब इसमें आएगा, बस मात्र एक क्वेश्चन इसमें ये नहीं आएगा ऐसा, और सब आएगा समझ लीजिए। तो आपको सारा मतलब हम समझा दिए क्या पढ़ना है, क्योंकि बहुत बच्चे कन्फ्यूज थे कि क्या इसमें नहीं पढ़ना है, इसलिए इसको बताना बहुत जरूरी हो गया था। अगला देखिए सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। अब इसमें फ्रस्टम ऑफ कोन पर, अब देख लेते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन का कहाँ है। फ्रस्टम ऑफ कोन में बताते हैं ये यहाँ से ये जो टॉपिक है ये पूरा ही डिलीट हो गया है, ये कुछ भी नहीं आएगा, मतलब 13.4 जो है ये कम्प्लीटली डिलीटेड, हटा दो इसको तो नहीं आएगा ये। 13.5 तो मान लो ऑप्शनल है, तो इसको तो ऐसे भी नहीं बच्चे करते हैं, तो 13.4 फर्स्ट मार्क कौन के बाद सब कुछ कुछ भी नहीं आएगा, डिलेट एकदम। फर्स्ट मार्क कौन से पहले सब पढ़ लीजिएगा, तो एक एक चीज़ बता रहे हैं आपको, एकदम तनिक भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगला देखिए इसमें अब क्या आता है, स्टैटिक्स आता है। स्टैटिस्टिक्स में आप देख लीजिए कि इसमें क्या डिलीट किया गया, पढ़िए इसमें क्या दिया गया है, स्टेप डिविजन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। तो देखिए हम बता देते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ का मतलब ये स्टूडेंट ये है कि यहाँ पर देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जहाँ से लिखा है ये पूरा टॉपिक ही डिलीट है, इसके बाद कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। मतलब कहने का मीनिंग क्या है कि जो आपका इसके बाद जो एक्सरसाइज आएगा 14.4 नहीं पढ़ना है, कम्प्लीटली डिलीट हो गया है, इसको पढ़ना ही नहीं है, तो हटा ही दो। तो कहने का मतलब क्या है कि इसके पहले जो आएगा सब पढ़ोगे। अब इसमें भी एक बात ध्यान देना कि स्टेप डिविजन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन, मीन फाइंड करने के लिए अब जैसे पहला एक्सरसाइज देखोगे 14.1 तो उसमें मीन दिया है, तो उसमें अगर स्टेप डिविजन मेथड से आपको करना ही नहीं है, डायरेक्ट मेथड से करना है, क्योंकि मीन फाइंड करने के कई तरीके होते हैं, तो आपको इस मेथड से नहीं करना है, बस यही ध्यान देना। इसके बाद एक्सरसाइज आपका 14.4 कम्प्लीटली डिलीट हो गया है, क्योंकि इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ दिया है वो नहीं पढ़ना है, तो ये पूरा हटाई देना। तो आप समझ पा रहे हो। अगला देखिए प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में तो बोला है नो डिलेशन, तो इसमें सब कुछ पढ़ना है, तो प्रोबेबिलिटी में कोई डिलीट नहीं किया गया। तो स्टूडेंट अब आपको ए टू जेड पूरा मैथमेटिक्स में समझ में आ गया होगा कि हमें क्या नहीं पढ़ना था, तो क्या पढ़ना है वो सब समझ गए। अब बच जाता है साइंस का, तो साइंस का आपको हम दिखा देते हैं कि उसमें क्या करना। तो ओके स्टूडेंट देखो साइंस का हम बता रहे हैं, साइंस में आपको
बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ डिलीशन किया गया। देखिए कुछ चैप्टर ऐसे हैं फुल चैप्टर नो रिडक्शन, अब ये जो हम लिखे हैं इसमें कोई रिडक्शन किया ही नहीं गया है, फुल चैप्टर है ये। जैसे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, एसिड बेस एंड साल्ट ये दूसरा चैप्टर है, और पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, लाइफ प्रोसेस, हाउ टू ऑर्गेनिज्म, जितने लिखे लाइट इलेक्ट्रिसिटी और एनवायरमेंट, इसमें कोई भी रिडक्शन नहीं किया गया। आपको एक कम्प्लीटली फुल चैप्टर पढ़ना है तो बस हो गया, इसका पूरा काम तमाम कर दिया। अगला देखिए इंटरनल असेसमेंट जो आपका स्कूल में मिलता है मार्क, नॉट कमिंग बोर्ड एग्जाम ओनली फॉर स्कूल एग्जाम, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, वो स्कूल में ही आएगा, तो इसका भी नंबर 5-6 नंबर शायद मिलता है आपका जोड़ता है, तो ये आपको पढ़ना है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है, ये पूरा चैप्टर ही पढ़ना है बस। चैप्टर विथ पार्शियल रिडक्शन, अब देखिए वो चैप्टर जो कि पार्शियल रिडक्शन जिसमें कि रिडक्शन किया गया थोड़ा सा मेटल्स से नॉन मेटल्स में, ये रिडक्शन किया गया है, देखिए पेज नंबर 49-54 यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ से यहाँ तक आपको नहीं पढ़ना है। अब ऐसे देख लो कि क्या क्या है, थोड़ा सा आपको याद भी आ जाए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कहाँ, देखिए यहाँ पर है बेसिक मेटलर्जी प्रोसेस, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, ये आपको नहीं पढ़ना था। देखिए हम बता रहे हैं पेज नंबर 49-54, तो देखिए 49-54 हम निकाल रहे हैं, उसमें आपको दिखा देते हैं, या आप बुक्स हमारे पास तो देख रहे हैं, अगर है तो हम दिखा देते हैं आपको। देखिए ये एनसीईआरटी में आपका पेज नंबर 49-54 स्टूडेंट आपको नहीं पढ़ना है, तो इसमें प्रिवेंशन देखिए यहाँ से एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स जो है यहाँ से आप छोड़ दीजिएगा, बुक में आप देखिएगा ये पेज नंबर 49 पर है, ये अक्यूरेंस ऑफ मेटल से पूरा जो है आपका ये फिनिश है, कुछ भी नहीं पढ़ना इसके बाद, ये सब छोड़ देना, ये डिलेशन है, यहाँ सब कुछ छोड़ दोगे तो ये आपका हो गया मेटल्स से नॉन मेटल्स का। अब इसके बाद देखिए हम बता रहे हैं, अब इसमें ये तो समझ ही गए कि मेटल्स से नॉन मेटल्स में पेज नंबर 49-54 तक है, उसको हटा देना आप, नहीं पढ़ना है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में, अब इसमें देखिए इसी में बच्चे थोड़ा कन्फ्यूज होंगे, इसमें बहुत बड़ा चैप्टर है केमिस्ट्री का, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें डिलेशन कितना शानदार किया गया, बहुत ज़्यादा किया गया है। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग देख सकते हैं इसमें, फंक्शनल ग्रुप, हैलोजन, अल्कोहल, कीटोन्स, ये सब जितने हैं सब लिखा गया है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, देखिए हम बता रहे हैं आपको कि क्या इसमें डिलीट किया गया, बुक्स में दिखा रहे हैं आपको, बुक्स में आप देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से इसमें आपको क्या नहीं पढ़ना है। यहाँ से आप पढ़ोगे और इसमें सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, ये जो पेज नंबर 63 पर है, ये जो बता रहे हैं हम 63 पेज नंबर पर है ये, तो ये आपको नहीं पढ़ना है, इसमें जो डिफरेंस है सब कुछ नहीं पढ़ना है आपको। अब इसके बाद यहाँ से देखिए तो ये जो है होमोलोगस सीरीज, ये पढ़ना है आपको, होमोलोगस सीरीज आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और इसके बाद फिर ये नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ये आपको कुछ पढ़ना ही नहीं इसमें, ये कुछ भी नहीं पढ़ना है इसमें। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स में, कंबशन रिडक्शन, ये कुछ भी नहीं पढ़ना है, सब डिलीट हो गया है, करने का मतलब इसमें नाम मात्र का दिया, इसमें कुछ सब डिलीट ही कर दिया है। अब देखिए अब हम बता रहे हैं इसके बाद इसमें और क्या दिया है, डिलीट किया गया है प्रॉपर्टीज ऑफ, ये तो हो गया आपका कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन, एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड, ओनली प्रॉपर्टीज एंड यूजेज, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, पहले तो देखिए लास्ट में जो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स है ये सब कुछ डिलीट कर दिया गया, कहने का मतलब कि पूरा चैप्टर में कुछ बचा ही नहीं है, सब तो डिलीट ही कर दिया गया इसमें। अब बोला गया केवल इसका प्रॉपर्टीज और यूजेज किसका, एथेनॉल का, देखिए आपका एथेनॉल हो गया, तो यहाँ से आपका कंपाउंड शुरू होता है एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड, तो ये पूरा डिलीट नहीं किया गया स्टूडेंट, इसमें आपको इसका प्रॉपर्टीज और यूज डिलीट किया गया है, तो इसका देखिए जो फॉर्मेशन है ये कैसे बनता है ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए प्रॉपर्टी आप एथेनॉल में आपको ना इसका फार्मेशन पढ़ना होगा कि कैसे बनता है, तो इसका फार्मेशन पढ़ोगे, और प्रॉपर्टी आप एथेनोइक एसिड में इसका भी यूज नहीं पढ़ोगे, बस इसका आप फार्मेशन पढ़ोगे कैसे ये बनता है, तो ये जब हम पढ़ाएंगे तो उससे बता देंगे फार्मेशन, तो ये प्रॉपर्टीज और इसका यूज नहीं पढ़ना है। तो एक तरीके से ये देखो तो ये तो पूरा चैप्टर ही समाप्त हो गया, इस चैप्टर में कुछ बचा ही नहीं। जैसे देखिए ये ऐसे आपका एथेनॉल बना तो ये रिएक्शन पूछ सकता है आपसे, तो ये रिएक्शन का फॉर्मेशन पढ़ना है, देखिए एथेनॉल इस तरह से बनता है रिएक्शन करा के, तो लेकिन हाँ ये सब प्रॉपर्टी ये सब कुछ नहीं पढ़ना, ये सब नहीं पढ़ना बोला गया है। और एथेनॉल एथेनोइक एसिड का भी फॉर्मेशन जो है देखिए CH3COO इसी के बाद ये बनता है एथेनोइक एसिड, तो ये हम जब पढ़ाएंगे तो उससे बता देंगे कि इसमें क्या पढ़ना है। अदरवाइज आप रिएक्शन इसका रिएक्शन केवल इसका पढ़ना, फार्मेशन का प्रॉपर्टी इसका मत पढ़ना, फिजिकल केमिकल कुछ प्रॉपर्टी नहीं पढ़ना है, बस इसका फार्मेशन पढ़ना है और यूज भी इसका नहीं पढ़ना है, और सोप एंड डिटर्जेंट ये पूरा ही समाप्त हो गया। तो कहने का मतलब कि इस चैप्टर को डिलीट कर देना ही चाहिए था, इसमें कुछ दिया ही कहाँ है, तब इसमें कुछ बचा ही कहाँ, देखिए इसमें क्या है, बस यही पढ़ना है आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स ये सब पढ़ना है, और इसके बाद यहाँ से आपका पूरा टॉपिक ही क्या हो गया, फिनिश हो गया है।
कहाँ से, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड से, सब कुछ डिलीट हो गया इसमें, यहाँ से पूरा डिलीट हो गया है। बस पढ़ना क्या है तो देख लीजिए, होमोलोगोसिस को टिक किया है, बस ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इसके बाद यहाँ से पूरा डिलीट सब कुछ, यहाँ से प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कुछ नहीं बचा है, बस एथेनॉल और एथेनोइक एसिड जो बच गया स्टूडेंट उसका आपको क्या पढ़ना है, फार्मेशन, बस एक लाइन में उसकी रिएक्शन होगी वही बस पढ़ना है, वो बता दिया जाएगा उस समय जब पढ़ाएंगे तो। तो ये समाप्त हो गया, तो अब देख सकते हैं कि इस चैप्टर में तो कुछ था ही नहीं, ये पूरा डिलीट ही मान लीजिए। अब देखिए इसके बाद दिखाते हैं आपको, इसको समझ गए, कार्बन कंपाउंड्स में हेरिडिटी इवोल्यूशन ये बायोलॉजी का है तो इवोल्यूशन को पूरा काट दीजिए, बस हेरिडिटी पढ़ना है आपको, क्योंकि अब जब उसमें देखोगे हम देखेंगे तो उसमें देखिए एक एक चीज जो काटा हुआ है इवोल्यूशन पूरा ही काट दिया, तो इसका मतलब कि इवोल्यूशन पूरा ही काट दो, हेरिडिटी हेरिडिटी को पढ़ना आपको, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में ह्यूमन आई पूरा काट देना, ये पढ़ना ही नहीं है, बस कलरफुल वर्ल्ड को पढ़ना है, केवल कलरफुल वर्ल्ड को ही पढ़ना है। अब ये कैसे देखोगे तो देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड को आपको हम दिखा रहे हैं एनसीईआरटी के बुक में कहाँ पढ़ लेना है, लेकिन हाँ ये बायोलॉजी में आप समझ ही जाओगे कि हेरिडिटी चैप्टर को पढ़ना है, इवोल्यूशन को नहीं पढ़ना है, लेकिन ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में ह्यूमन आई को आपको काट दिया गया है पूरा, और कलरफुल वर्ल्ड, कलरफुल वर्ल्ड को हिंदी में बोलते हैं रंगीन दुनिया, तो रंगीन दुनिया को पढ़ना है, देखिए यहाँ से पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, तो यहाँ से आपको ये पूरा पढ़ना होगा स्टूडेंट, मतलब कि यहीं से देखिए आपका क्या होता है बताइए, कलरफुल वर्ल्ड स्टार्ट होता है, तो यहाँ से आपको पूरा पढ़ना है, और इसके बाद ये जो आई का है ये प्रेस बाय पे ये पूरा डिलीट हो गया, द ह्यूमन आई से ये पूरा डिलीट कर दिया गया है, यहाँ से पढ़ना और सब डिलीट कर दिया गया है, तो आप समझ गए क्या करना है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पेज नंबर 232 से 232 से 238 तक पेज नंबर आपको नहीं पढ़ना है, लिख लेना 232 से 238 लिखे यहाँ पर, अब फुली कैंसिल, ये चैप्टर जो है पूरा तरह से कैंसिल हो गया है, कार्बन एंड आप देख सकते हैं ये जो चैप्टर स्टूडेंट है पूरा तरह से कैंसिल हो गया है, कौन कौन चैप्टर आपको हम दिखा दे रहे हैं, देखिए इसमें ये चैप्टर पूरा कैंसिल हो गया आपके, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ये फुली कैंसिल्ड है, ये पूरी तरह से कैंसिल हो गया, इसको पढ़ना ही नहीं, चैप्टर ही हटा दिया गया है, ये फुली कैंसिल है, तो तीन तरह से हो गया, फुल चैप्टर नो रिडक्शन, पार्शियल रिडक्शन और फुली रिडक्शन कैंसिल, तीन के स्टेप में आपको पूरा हम समझा दिए। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पेज नंबर 232 से 238 तक पूरा एनसीईआरटी का पेज नंबर छोड़ देना है, वो नहीं पढ़ना है, बस इसके बाद जो बता दिया और समझ गए होंगे स्टूडेंट, तो बस आप समझ चुके होंगे। ओके स्टूडेंट देखो, तो आज हम एनालिसिस कर लिए डिलेटेड सिलेबस पार्ट 2020-2021, तो आप पूरा देख लिए, मैथमेटिक्स एंड साइंस का पूरा आपको डिटेल बता दिए, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन था, कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर उसको बता दिए, तो हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पर बात ये रही कि 30% सिलेबस आपका डिलीट हो गया है, जिसमें कि हम आपको यही बोलेंगे कि जो अच्छे बच्चे हैं वो कम्प्लीटली पढ़ लेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि हम देखिए पढ़ाएंगे तो पूरा कम्प्लीटली पढ़ाएंगे सिलेबस, इसमें जो डिलेटेड सिलेबस है उसको आप मत पढ़िएगा, अगर जो अच्छे बच्चे हैं तो पढ़ भी सकते हैं, जिनको चाहिए कि नहीं, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि 30% सिलेबस आपका डिलीट कर दिया, मजबूरी भी थी करना, क्योंकि बच्चे प्रेशराइज में थे कि इतना कैसे पढ़ पाएंगे, समय कम है, तो 30% करना पड़ा, लेकिन कंपटीशन कोई अगर आप देने जाओगे 10th के बाद CHS का एग्ज़ाम देने जाओगे या कोई बाद में PMT IIT का एग्ज़ाम देते हो तो आपका वहाँ पर डिलीट नहीं किया जाएगा, कंपटीशन के लिए सिलेबस को डिलीट नहीं किया गया है, तो इससे आपका 30% नॉलेज भी तो कम हो जाएगा, इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास समय बचता है तो आप पढ़ लीजिए पूरा, क्योंकि हम पूरा ही पढ़ाएंगे डिटेल में, अदरवाइज कोई प्रेशर नहीं है। देखिए मैथमेटिक्स का तो हम पूरा पढ़ाएंगे, अब साइंस में देखिए केमिस्ट्री का भी पूरा पढ़ेंगे, फिजिक्स में कुछ चैप्टर हैं जो डिलीट कर दिया गया कम्प्लीटली, जैसे सोर्स ऑफ एनर्जी, तो उसको हम नहीं पढ़ाएंगे, अगर समय मिलेगा तो बाद में हम पढ़ा देंगे उसको, तो हम कोशिश करेंगे कि पूरा आपको डिटेल में ही लेकर चलेंगे, क्योंकि उससे आपको कम्प्लीटली नॉलेज मिलेगा अच्छे से, जो अच्छे बच्चे पूरा पढ़ पाएंगे, और जिनको लगेगा कि हमको बस यहीं पढ़ना है तो आप उसको स्किप करके हमारा वो टॉपिक देख लीजिएगा, डिलेटेड सिलेबस को मत पढ़िएगा, तो बस मैं हमें यही कहना था कि आप अच्छे से पढ़िए और पूरा आपको बता दिए, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन था, बहुत बच्चों का मैसेज आया व्हाट्सएप, बच्चे मैसेज किए, कोई बच्चे वहाँ पर कमेंट किए चैनल पर कि नहीं सर बना दीजिए, तो हमें लगा कि नहीं बनाना जरूरी था, तो हमने आपको A to Z पूरा बता दिया, आप उसको देख लीजिएगा, वही है जो हम बोले हैं, उसी को आप फॉलो कीजिए, जैसे बताएं वैसे आप फॉलो कीजिएगा, आपका अच्छा नंबर आएगा और आप समझ गए होंगे। ओके स्टूडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट।